हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ओके, तो माइक्रोमीटर को हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। जब हम किसी मैकेनिकल कंपनी में या फिर प्रोडक्शन में जब हम काम करते हैं तो उस समय हम इसको शॉर्ट में स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ओके, तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब बहुत ही विचित्र चीज़ होगी कि माइक्रोमीटर का सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो हुआ था टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। ओके, तो टेलीस्कोप से और माइक्रोस्कोप से जो भी ऑब्जेक्ट मेज़र किए जाते थे तो उसको मेज़र करने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते थे। अब सपोज़ टेलीस्कोप से हम अगर चाँद को देखते हैं तो चाँद को देखने पर उसका जो साइज होगा, तो हम उसको माइक्रोमीटर से नाप कर उसका साइज़ देख लेते थे और उसका स्केल बड़ा कर देते थे जितना गुना वो बड़ा है। अब उसी तरह से अगर माइक्रोमीटर में यूज़ करें, माइक्रोमीटर का हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करें, तो माइक्रोस्कोप में जो छोटी सी इमेज किसी एटम की या फिर किसी मॉलिक्यूल की बनती है, तो उसी के स्केल को हम बड़ा कर देते थे और उसका हमको या स्केल को हम छोटा कर देते थे तो हमको पता चल जाता था उसका एक्चुअल साइज। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर का यूज़ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को मापने के लिए करते थे। और माइक्रोमीटर का यूज़ एक और चीज़ में किया जाता था कि स्टार्स और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको खगोलीय पिंड भी बोलते हैं, तो उसके बीच में एंगल को मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते थे। तो माइक्रोमीटर का जब इन्वेंट हुआ वो हुआ 1638 में, जो और विलियम गैस्कोजिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोमीटर को ईजाद किया था। अब कुछ माइक्रोमीटर के कुछ बेसिक पार्ट्स देखते हैं। तो माइक्रोमीटर के बेसिक पार्ट्स में ये हमारा माइक्रोमीटर है। इसके बेसिक पार्ट्स में जो इसका फ्रंट एरिया है इसको बोलेंगे एनविल और इसको बोलते हैं स्पिंडल। जो स्पिंडल है ये मूव करता है ये पीछे वाले रेचेट और थिम्बल के मूवमेंट से। और इसमें एक मेन इसके में एक लीनियर स्केल होती है जिसमें स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लॉक होता है कि जितने भी डायमेंशन पे हम उसको रोकना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, जब हम डायमेंशन ले लेते हैं अगर उसको उस जगह पर रोकना है तो हम लॉक सिस्टम का यूज़ करेंगे और इसका लॉक हम लगा देते हैं। तो ये एक बेसिक फ्रेम है जिसके अंदर हम बीच बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब वर्नियर जैसे माइक्रोस्कोप का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट दोस्तों वह वैल्यू होती है जो जिससे वो कम से कम कितने प्रिसीजन में या कितनी वैल्यू को वो नाप सकता है। तो जो माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 10 माइक्रोन। तो इसको जब एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट को मापने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि पिच ऑफ माइक्रोमीटर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है रोटेटिंग स्केल। यहाँ पर एक डिवीज़न जो होता है वो 10 माइक्रोन के बराबर होता है और ये है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में एक डिवीज़न होता है वो 1 mm के बराबर होता है। अब माइक्रोमीटर के कुछ टाइप्स हैं। माइक्रोमीटर के टाइप्स में जो पहले आता है वो इनसाइड माइक्रोमीटर, सेकेंड आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर और थर्ड आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। अब इनके नाम से ही हमको पता चलता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर से हम इनसाइड की लेंथ या फिर इनसाइड का डायमीटर को नापते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटसाइड डायमीटर या फिर आउटसाइड लेंथ को हम माप सकते हैं। अब डेप्थ माइक्रोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है और कितना उसका डेप्थ है हम वो मेज़र कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोमीटर में देखते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़रमेंट के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं और थिन वायर को मापने के लिए और थिकनेस ऑफ शीट मेटल को मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि शीट जो होती है या थिकनेस शीट की जो होती है या वायर का जो डायमीटर होता है वो माइक्रोन्स में हो सकता है। 50 माइक्रोन 60 माइक्रोन तक वो चीज़ हो सकती है, तो उसको प्रिसीजन से नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं।
अब माइक्रोमीटर जो डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमको मार्केट में माइक्रोमीटर अवेलेबल होते हैं जिनकी साइज होती है 0 से 25 mm, ओके, और 25 से 50 mm. तो ये रेंज है कि इसके बीच का डायमीटर को हम माइक्रोमीटर से नाप सकते हैं, डायमीटर या फिर लेंथ को हम माप सकते हैं, ओके. अब इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से हम माइक्रोमीटर से किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर हम डायमीटर को किस तरह से मेज़र करते हैं, ओके. ओके, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे किसी भी डिस्टेंस को या फिर किसी डायमीटर को नापने के लिए. ओके ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप इस तरह के कुछ और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट कीजिए. और अगर आप और कोई हमारे नोटिफिकेशन चाहते हैं आने वाले वीडियो के, तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए. ओके, बाय.